ऋषिकेश गुरुद्वारा साहब तो अगे करीब करीब 160 किलोमीटर तो बाद एक प्लेस आती है गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहब गोविंद नगर नगरासू उत्तराखंड। इत्थे तुहाडा कुछ टाइम वास्ते स्टे हुंदा है। असीं करीब करीब 8 बजे चले सी और इत्थे असीं करीब करीब 1 बजे पहुँच गए हैं। सो तुसीं इत्थे रुक सकते हो, इत्थे कार पार्किंग है, इत्थे कार पार्किंग करके तुसीं इत्थे स्टे करो, रुको और लंगर वगैरह छको, फ्रैश होके फिर दोबारा अगे अपना हेमकुंट साहब का सफर शुरू कर सकते हो। इतों की हेमकुंट साहब करीब करीब कोई 120 किलोमीटर है, यानी कि 3 तो 3.5 घंटे का रास्ता है अगे। ओके जी, तो फाइनली असी गोबिंद घाट पहुँच गए हैं। असी सवेरे चले सी करीब करीब कोई 8 बजे चले सी, तो हूँ इस टाइम शाम के 6:45 हो गए, तो असी शाम के 6:45 बजे गोबिंद घाट पहुँच गए। तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत वधिया मौसम है। एक इनफॉर्मेशन सारे देनी सी कि जो तुम इतने आते हो तो गुरुद्वारा साहब के नीचे एक पार्किंग बनी हुई है, एक पार्किंग लॉट है सारा। इतने स्टिल राइट दाओ जी हैगी है 600 रुपीज़ की स्लिप मिलती है, पर्ची मिलती है 600 रुपये की। ये वन टाइम स्लिप हैगी है, तुम जब तक इतने है तद तक वो पर्ची 600 रुपये की ही चलती है। सो असी हूँ इतने कार पार्क कर दी है, हम बाकी असं अगे हूँ रूम वगैरह लईए, असं दर्शन करिए, मत्था टेकीए। ठीक है जी, आ जाओ फिर अंदर कर दे, दिखा दे कोई बात नहीं। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है। ठीक है जी, बाकी कल सवेरे यात्रा करावे तो ना। चलो ठीक है। हेमकुंट साहब गुरुद्वारा साहब की जो गोबिंद घाट है, गोबिंद घाट के गुरुद्वारा साहब की छोटी जी एक मार्केट है, इतने तुम जरूरी समान भी ले सकते हो, कोई छोटा मोटा करना शॉपिंग करनी है, इतों तुम स्टिक्स मिल जाती है, होर भी कोई जरूरत का समान लेना इतने मिल जाएगा, घर वास्ते लेना है, अच्छी शॉप्स है, अच्छा समान है, कुछ घर वास्ते कोई चीज़ लेके जानी है, सारा कुछ इतने मिलेगा। छोटी जी मार्केट है, दर्शन कराए दरबार साहब के, थोड़ा लंगर प्रशादा छको, पानी पियो,
ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। चाह पानी छका दुर्गा प्रसाद छक के फिर असी अगे यात्रा पर शुरू करा बाबा जी दर्शन कराने दर्शन करके फिर आप निकल दिया ठीक है जी। बहुत बढ़िया माहौल है बहुत अच्छा है संगत सवेरे 5:30-5:15 निकल गई हैं बस सानू थोड़ा तैयार होने टाइम लग गया कि हम 6:30 है निकलते निकलते बाकी करके असी मत्था टेक के फिर निकल जाए फिर दोबारा दर्शन कर ठीक है। साहब की स्थापना किमें हुई यदि खोज किमें हुई ये मैं तुम्हें क्लिप पा दूंगा तो ये तुम देख सकते हो कि गुरद्वारा साहब का कि खोजा गया इतने सो इन स्टिल करके या स्क्रीनशॉट करके तुम सारे देख लेना हूँ असं अगे यात्रा वास्ते निकल लगे हैं मेरे नाल दे साथी सारे ठीक है जी निकल रहे हैं असली यात्रा हूँ शुरू हुई है जी। इतों के तरह दिखाने हेमकुट साहब की यात्रा कितना है तो की मुश्किल है या किस तरह है बाकी सब अच्छा है वाहगुरु का नाम लो अगे चलो बहुत सारी संगत इतों की दर्शन करके वापस जा रही है तो बहुत सारी संगत अगे बढ़ रही है सो असी हूँ अगे शुरू कर रहे यात्रा ठीक है जी। चलो जी लाओ जी जयकारा बोले इतों साड़ी यात्रा की शुरुआत होती है यात्रा आरंभ होता इतों की अप्रोक्सीमेटली कोई करीब टोटल 21 किलोमीटर की चढ़ाई है इतों की जिद के 15 किलोमीटर बाद प्लेस हैगी है गोबिंद धाम आएगा बस जिसने भी जाना है चढ़ना है बड़े आराम नाल शांति नाल जल्दबाजी ना करे काली ना करे एक बार सब हो जाएगा जी। ठीक है जी अगे दिखाने तुहानू
ਚੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਡੰਡੀਆਂ, ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੇਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜਗਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗਾਰਾ ਲਗਾਓ ਜੀ। इस तरह के स्टैप्स बने हुए हैं स्टार्टिंग दे विच, पहला पैदल शिकार करके आ सकते हो, सूमो करके आ सकते हो, उस तो बाद तुहाडी इस तरह स्टैप्स है, साइड्स ते रेलिंग है, नीचे दरिया चलता है, गर्मी पूरी आ जाती है इतने जी, हाँ पानी बहुत घट है, आराम कर करके आराम आराम ना चढ़ते रहो, कोई जल्दी नहीं। सेवन फोर्टी फाइव का टाइम है, हम नीचे से आ रहे थे चढ़ाई चढ़ते हुए, बड़ा हौसला था कि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, यहाँ पे आके हमने एक बोर्ड देखा, खड़ी चढ़ाई है, कृपया धीरे चले, इससे भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है आगे है भाई, मैं कह रही चढ़ाई चढ़ के हैं, सोते चढ़ाई चढ़ के हैं, तो ये तो इस तो भी ज़्यादा चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है आगे, खड़ी चढ़ाई है, पर कोई नहीं, सतनाम वाहेगुरु करके पहुंच जाएंगे, करो तो सही, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। गोबिंद घाट तो घाघरिया की हेलीकॉप्टर सेवा भी हैगी है, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, देखो गोविंद घाट से घाघरिया जाता है, घाघरिया से वापस गोविंद घाट, अगर हेलीकॉप्टर की भी यात्रा लेनी है तो एक सवारी का करीब करीब 2500 रुपया फेयर है इनका, 2500 रुपये लगते हैं एक पर्सन के, जाओ 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 तुम चलो, ये शॉर्टकट भी है ना, चलो चलो कोई चक्कर नहीं, चलो चलो असि इधर जावा, जानते कोई गल नहीं, आप अगे मिलते हैं, यहाँ पे घोड़ा करना चाहो घोड़ा भी कर सकते हैं, और हेलीकॉप्टर भी है, पैदल यात्रा भी है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। राम राम नाथ कर दे जाओ, वाहेगुरु वाहेगुरु कर दे जाओ, स्पीड स्लो, थकावट होती है पूरी, चलो जी अगे तो भाई जी कितों आए सी भाजी, पटियाला जी, पटियाला पटियाला, वेरी गुड, बैठो बैठो, सास मंडी लगती है, हाँ जी हाँ, नशा भी पैसा नहीं लगता, नाबे लगती है भी बंद होगी, पैसे ने बाजी किन्ना बंद करा दूंगा तुम्हें, अच्छा नीचों दी ऊपर आंदे हुए पहला स्टेशन जंगल चट्टी, फ्लावर वैली 12 किलोमीटर फर्स्ट स्टॉप है, शेड लग गया है बहुत अच्छा, बैठने खाने पीने का सारा इंतजाम है, बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, हाँ जी आओ अगे आओ, चलो पहला स्टॉप जंगल चट्टी, इत तो रुक के कोई चाह पानी पीना चाहिए तो कर सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, यहाँ रास्ते के अंदर आपको
वॉशरूम से मिल जाते बने हुए, छोटे छोटे टॉयलेट बने हुए हैं और फ्रेश वाटर के टैप्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। रास्ते अच्छे बने हुए हैं, पहले से बहुत बेटर है। छोटे वॉशरूम बने हुए हैं, आप यहाँ पे रुक के आराम करो, चाय पियो। बढ़िया, कहते चढ़ाई। और देखो कितने कितने रास्ता बिल्कुल प्लेन है और कितने कितने चढ़ाई है, पर रुकने की लोड़ नहीं, आराम आराम ना चलते रहो, रास्ता कवर हो जाना, हौली हौली चलते जाओ, कुदरत का नज़ारा लेते जाओ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो अगे उपर रेस्ट करने वास्ते शेड भी लगे, बाकी हर तरह के परसन, बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे सब चले हुए। ये जो हमारा हेमकुंड साहब का रास्ता बना हुआ है, ये इसकी सेवा में ये कुछ लोग काम करते हैं, ये पत्थर तोड़ते हैं, यहाँ पे सड़क बनाते हैं, तो इन्हीं की वजह से हमारा रास्ता आसान हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में, तो हो सके तो जाते हुए इनकी कुछ मदद करके जाएं, कुछ हो सके तो, क्योंकि ये रास्ते का काम करते हैं, हमारा रास्ता बनाते जाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। हो सके तो आते जाते हैं, उनकी कोई मदद करके जाएँ, खाने को दे जाएँ, कुछ पैसे दे जाएँ। ठीक है जी, बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा मौसम है, पीछे का मौसम बहुत बढ़िया है, आप देखो चल रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पहले 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की थकावट है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप आराम से, बहुत आराम से निकालिए, बड़े कंफर्टेबल होके। हाँ जी रविंद्र जी दसो, बाकी हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल है, हूँ तो कोई थकावट नहीं, दसो बड़ी आसानी 4 किलोमीटर की गड्डी की यात्रा कर सकते हो, उसके बाद पैदल यात्रा जी का रास्ता है, बहुत ही वधिया बनया है। बाकी पहले 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तुम्हें थकावट होएगी, आराम नाल दम बचा के स्लो स्लो आ जाओ, उस तो बाद कोई थकावट नहीं। हम असी जा रहे हैं बहुत कंफर्टेबल, कोई थकावट नहीं, बहुत वधिया, सारी संगत आराम नाल जा रही है, वाहेगुरु का नाम लेंदे लेंदे चली जाओ, मजा बहुत वधिया। बोले सोनिया सासियाकाल। ये हमें रास्ते में मिले भाई साहब, बहुत बढ़िया इंतजाम है इनका, ये ड्राई फ्रूट्स का बनाते हैं मटेरियल, क्या बोलते हैं भैया इसको, ठंडाई, ठंडाई। अच्छा ये गर्मी तो नहीं करती ठंडाई, ठंडी जगह में ठंडाई बुला रहे हो। ये इसमें सारा डालते हैं, ये बताओ भैया क्या क्या, ये काजू, बादाम, खसखस, मगज, इलायची, काली मिर्चा, ज्यादा मगज, क्या बात है, ये थकावट नहीं होने देते ना, सारा कुछ बहुत बढ़िया जी। तो जी ये हमें 60 रुपए का ग्लास देते हैं, 80 रुपए का, अच्छा मैंने कम कर दिया, अपनी मर्जी से अपने आप कम कर दिया, ये 80 रुपए का ग्लास देते हैं, और इसके अंदर अगर आप पूरा ग्लास वैसे ना लो बहुत ज्यादा हो जाएगा शायद, हमने 4 पर्सन है तो हमने 2 गिलास लिए, हाफ हाफ किए हमने, तो कहीं ज्यादा तेज सामान कहीं खराब भी ना कर दे। आप भी लो मजा इसका जब भी आओ यहाँ पे, और ये ठंडा ही पियो। भैया कब से आप यहाँ पे, दस बारह दिन, अच्छा मैंने सोचा 10-12 साल बोलोगे आप, कहाँ से आए हो आप, 16-17 साल इधर, कहाँ से आए हो आप वैसे, यूपी से, ठीक है। ये हम आगे हैं भिंडार, भिंडार जगह का नाम है, भिंडार है भैया ना का जगह नाम, भिंडार, भिंडार ये लोकेशन पे आ गए अभी, यहाँ पे स्टे मिलता है बड़ा अच्छा, खाने पीने को भी है, सफर रास्ता बहुत अच्छा बन गया है पहले से, रास्ते में थोड़ा बहुत खाते पीते जाइए, अपने आप को थकाइए मत,
स्लो चले, धीरे चले। वो ऊपर बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से नजर आता है। अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो वो देखिए, वो पूरा ग्लेशियर है, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है पूरा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लोग भगवान का नाम लेते हुए, वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए, रब का नाम लेते हुए जाते हैं। बहुत अच्छा माहौल है। चाय पीनी है? पीने है? बस बस फिर जी उधर बढ़िया आ रही है, उधर आओ। परेशानी होगी। चलो जी, सारे जो भी यात्री आते हैं, एक तो आराम नाल आओ, बिल्कुल जल्दबाजी ना करो चढ़ते वेले, और रस्ते हल्का फुल्का खाते पीते जाओ ताकि थकावट ना हो, रेस्ट हो जाए। रस्ते बड़े भरा मित्र मिलते, बड़े दूर दूर आए। कहाँ से आए? मुरादाबाद से। अब इनकी फरमाइश पे हम यहाँ परौंठे खाने लगे हैं। चाय परौंठे खाएंगे। यात्रा करते वे अगर किसी बंदे नूं कोई परेशानी हो, जिदा कि कोई मसल पुल हो जाए या कोई धरन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए या बैग की प्रॉब्लम हो जाए, इतने रस्ते सेवा है, अपने इतने मालिश वगैरह कर देंगे है, और नाल मेडिसिन भी है, मेडिसिन का इंतजाम भी पूरा है। अगर रस्ते किसी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, घबराहट हो रही है या आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई या मन घबरा रहा है या कोई होर प्रॉब्लम है, तो भी मेडिसिन मिल जाती है। सेवा है जी इतने, किसी परसन आते हुए जाते हुए इस तरह की जरूरत हो गए तो इतने हेल्प लै सकते। बहुत अच्छा इंतजाम है जी रस्ते के, बैठे हुए हैं, आने जाने वाले इस तरह की जरूरत हो जाएगी। यात्रा दे विच जिथे अलग अलग जगह स्टॉल लगे हुए लंगर वगैरह के, उत्थे विच सेवा दे विच तुहाडी तुहानू हुणे जिदा दस्सिया कि मसल पेन हो जाए, कोई होर दिक्कत आ जाए, तो उहदे वास्ते इत्थे फ्री सेवा लगी हुई है। कोई मेडिसिन वगैरह लैनी होवे तो वी मिल जाएगी। सो कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र कोई टेंशन फ्री होकर इत्थे तुसीं अपना आओ, जे कोई दिक्कत परेशानी होवे तां इत्थे तुहानू संभाल लैंदे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत वधिया, बाकी बहुत अच्छा मौसम है, बहुत वधिया यात्रा हो रही है, खा पी के घूम फिर के यात्रा कर रहे हैं। शरारती बंदे मेरे नाल, ये यात्रा तो कर रहे हैं, नाल शरारत पूरी चल रही है ना जी। हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु करके दिखाओ, करो तो बड़े। वाहेनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जिन्ना टाइम वीडियो बन रही है ना, उन्ना टाइम ही है और बंद रह रही है। दो हजार 2013 में जब बाढ़ आई थी तो ये जो ब्रिज है ये टूट गया था, उसके बाद इन्होंने ब्रिज द्वारा नहीं लगाया, थोड़ा रास्ता बना दिया आने जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे नज़ारा बहुत बढ़िया है, उधर से भी पानी आया था, उधर भी पानी आया, इधर भी पानी आया, तो पूरा तबाही हो गई थी बहुत ज़्यादा 2013 में। लेकिन सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो जी, चलो आगे चलो। कर रहे हैं